पांचवें चरण के चुनाव भी हो रहे हैं और इस वक्त बीएसपी चीफ मायावती अपना वोट डालने के लिए पहुंची हुई हैं और उसके बाद क्या कह रही हैं सुनिए। दावा कर रही है जब रिजल्ट आएगा तो दूध का दूध और पानी का पानी। भाजपा 400 पार का दावा कर रही है मैम, आप इसको कैसे देखती हैं? देखो हर पार्टी अपना दावा करती है, कोई भी हो, चाहे बीजेपी है, कांग्रेस है, सभी पार्टियां दावा करती हैं कि हम सरकार बना रहे हैं, लेकिन जब रिजल्ट आएगा तब मालूम पड़ेगा कि सरकार कौन सी पार्टी बना रही है और किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही है। इंडिया गठबंधन लगातार ये कह रहा है कि हम लोग बढ़त की ओर बढ़ रहे हैं, आप इसको कैसे देखती हैं? क्या चीज? इंडिया गठबंधन कह रहा है कि इस बार हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। अभी ये तो पिछली बार भी बोल रहे थे जब पार्लियामेंट का, मैंने अभी जैसे 23 तारीख को मेरा प्रोग्राम मिर्जापुर में भी है, इसके बाद फिर मैं बिहार जा रही हूँ और अगले दिन 24 तारीख को फिर मैं पंजाब भी जा रही हूँ। ऐसा तो मैंने ये महसूस किया है, मैं अपनी पार्टी का बता रही हूँ कि लोगों में काफ़ी जोश है और अकेले यूपी में नहीं, यूपी के अलावा भी जो दूसरे राज्य वहाँ पर भी बीएसपी के लोगों में बहुत जोश है और इस बार अच्छा रिजल्ट आएगा। मुझे तो लग रहा है कि लोगों में काफ़ी जोश है और अकेले यूपी में नहीं, यूपी के अलावा भी जो दूसरे राज्य वहाँ पर भी बीएसपी के लोगों में बहुत जोश है और इस बार मायावती जी लगता है आपको इस बार बदलाव होगा? मुझे तो लग रहा है इस बार जरूर बदलाव होगा क्योंकि जो जनता है, मैं ये महसूस कर रही हूँ कि जनता कुछ साइलेंट सी है, ज्यादा कुछ खुलकर बोल नहीं रही है, वो ये सब देख रही है कि ये क्या हो रहा है। अच्छा, आकाश आनंद को हटाया गया तो बड़ा विपक्ष ने हंगामा किया, आपको क्या लगता है कि क्या किसी दबाव में हटाया गया या आगे ऐसा है? इसके बारे में मैं ट्वीट कर चुकी हूँ, इसके अलावा मैं कुछ और नहीं कहना चाहती। नहीं, भाजपा के जो लोग हैं उनका कहना ये है कि देखो ऐसा, इसके बारे में कौन क्या कह रहा है जी, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, इस संबंध में मैं ट्वीट कर चुकी हूँ और पूछे। थैंक यू मैम, थैंक यू। देखिए लखनऊ से आप ये तस्वीरें देख रहे थे, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की मायावती बीएसपी की चीफ, उन्होंने अपना वोट डाला है और पत्रकारों के सवालों के जवाब दे रही थी। आज पांचवा चरण है वोटिंग का और 49 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। लखनऊ में मायावती ने अपना वोट डाला है।